इतिहास को दोहराते देखना हम सबको पसंद है। इसका सटीक उदाहरण फिल्मों और बड़ी स्क्रीन में देखा जा सकता है। हालांकि डायनासोर वर्षों पहले विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन हम उन्हें आज भी देख सकते हैं और उन्हें सबसे खतरनाक जानवर के रूप में पहचान सकते हैं। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। ऐतिहासिक समय में एक और प्रजाति थी जो विशालकाय और भयावह थी, जो कि डायनासोरों से बल और आकार में कहीं अधिक। ये बलशाली प्रजाति कोई और नहीं बल्कि सांप है, जिनके पूर्वज आज भी धरती पर मौजूद है। हालांकि आज वह उस समय रहने वाले सांपों की प्रजातियों की तुलना में कुछ छोटे होते हैं। सांप का आकार तब 2 मंजिल बिल्डिंग जितना लंबा हुआ करता था। आज भी सांप के काटने और सांप के डर से कई लोग मारे जाते हैं। दुनिया भर में हर साल लगभग 80,000 जानलेवा हाथ से सांपों द्वारा होते हैं। इससे पहले कि हम अपने आसपास मौजूद सांपों की प्रजातियों के बारे में बात करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि 100% आप यहाँ फिर से आने वाले हैं। नंबर 7 पर हमारे पास है स्पिटिंग कोबरा। जब वे खुद का बचाव करते हैं तो वे अपने नुकीले से जहर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। थूकना जहर को मैमल्स की त्वचा पर हानि रहित कहा जाता है, लेकिन इसके संपर्क में आने से त्वचा में जलन हो सकती है। यदि आंख पर हमला किया जाए तो यह स्थायी अंधापन पैदा कर सकता है, और यदि समय पर आंख का इलाज नहीं किया जाता तो इसमें कॉर्नियल सूजन और कीमोसिस भी हो सकता है। जब मांसपेशियां ग्रंथियों को निचोड़ लेती है तो आगे की ओर छिद्रों की युक्तियों के माध्यम से इसे बाहर निकालने के लिए नुकीले विशिष्ट जियोमेटिक पैटर्न में जहर छिड़ जाता है। वह अपने जहर को 6 फीट तक फैला सकते हैं। ये बताया गया है कि इसके कुछ प्रजातियां 9 फीट तक भी अपने विष को थूक सकती हैं, क्योंकि वह अक्सर एक तथ्य लक्ष्य पर हमला करते हैं। नंबर 6 पर गिगेटोफिस। गिगेटोफिस को एक विशाल विलुप्त सांप माना जाता है। कोलंबिया से टाइटनोबोआ के विवरण में गिगेटोफिस को उत्तरी अमेरिका और एशिया में दर्ज किए गए सबसे बड़े सांप के रूप में लेबल किया गया। प्रजाति को फॉसिल की एक छोटी संख्या से माना जाता है। सबसे बड़े आधुनिक सांपों में से गिगेटोफिस फॉसिल के जीवाश्यों की तुलना करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि वह सांप 9.3 से 10.7 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकता था। यदि ये 10.7 मीटर तक बढ़ता है तो ये अपने सबसे बड़े जीवित रिश्तेदारों की तुलना में 10% से अधिक लंबा होता। इसका वजन 0.5 टन के करीब होता था। इसमें मगरमच्छ और हाथियों को निगलने की क्षमता थी। वास्तव में ये एक सांप ही था, डायनासोर का पिता, जिसकी शिकार करने की अपनी ही शैली थी। ये उन्हें घेर लेता था और फिर उनके बदन से लिपट कर दम घोट कर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। नंबर 5, ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा को दुनिया का सबसे भारी और दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 5.21 मीटर लंबी है। इसके कलर पैटर्न के कारण इसे हरा एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। इसमें शरीर की लंबाई और काले धब्बों के साथ एक हरे रंग की पृष्ठभूमि दिखाई देती है। एनाकोंडा की यह प्रजाति रात में सक्रिय रहती है और अपना अधिकांश जीवन पानी या उसके आसपास ही बिताती है। जब वह जमीन पर होते हैं तो वह बस रेंगते हैं और बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, जबकि पानी के अंदर वह तैरने के दौरान उच्च गति तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। वह पानी की सतह के नीचे तैरने लगते हैं ताकि सतह के ऊपर उनके स्नाउट्स बने रहे। जब शिकार उनके पास से गुजरता है या पीने के लिए रुकता है तो एनाकोंडा उस पर चारों ओर से कुंडली मार देता है और फिर उसे खा लेता है। सांप तब तक उसे जकड़ कर रखता है जब तक कि उसके शिकार की मृत्यु ना हो जाए। इस तरह के बड़े एनाकोंडा बड़े शिकार जैसे हिरन, टैपिर, कैबियर और कैमेंस को सेवन कर सकते हैं। नंबर 4 पर है किंग कोबरा। किंग कोबरा एक विषैले सांप प्रजाति है जो आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया से भारत के जंगलों में पाया जाता है। वयस्क किंग कोबरा लगभग 3.18 से 4 मीटर लंबे होते हैं। एक प्रजाति में मापा जाने वाला सबसे लंबा ज्ञात कोबरा 5.85 मीटर है। यह एक बहुत ही विशाल और खतरनाक सांप है, खासकर उसकी सीमा में एक भयावह प्रतिष्ठा है। हालांकि ये माना जाता है कि वह एक शर्मीला सांप है और जब संभव हो तो मनुष्य के साथ टकराव से खुद को बचा कर रखता है। किंग कोबरा श्रीलंका, भारत और म्यांमार की पौराणिक कथाओं और लोक परंपराओं में से एक प्रमुख प्रतीक है। ये भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है।
भारत में सांपों की पूजा की जाती है और उन्हें भगवान के पास एक जानवर के रूप में पूजा जाता है। स्नेक चार्मर्स इस सांप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने सांप को सम्मोहित कर लिया है, सांपों का आनंद ले रहे हैं। आशा है थोड़े तो डर गए होंगे। डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री सुपर ड्रावनी है। नंबर 3, फैंट बैंडेड सी स्नैक। ये सांप महासागरों में पाई जाने वाली एक अत्यंत विशाल प्रजाति है। ये वास्तव में डरपोक स्वभाव के लिए जाना जाता है। आमतौर पर काटने से पहले गंभीर दुर्व्यवहार का प्रदर्शन करते भी देखा जाता है। मछुआरों और आमतौर पर महासागरों के आसपास रहते हैं वह इस क्षेत्र के सांप द्वारा काटे जाते हैं। उनमें से कुछ ही का इलाज किया जाता है क्योंकि यह सांप बहुत कम मात्रा में जहर छोड़ता है। हालांकि ये विष की एक खतरनाक प्रजाति है, लेकिन हम सुरक्षित हैं क्योंकि ये हमेशा समुद्र के अंदर ही रहता है और उसकी प्रकृति के कारण कुछ लोग इसे एक ऐसी प्रजाति मानते हैं जो ज्यादा हानिकारक नहीं होती। फैंट बैंडेड सी स्नैक मध्यम आकार का होता है जो आमतौर पर व्यस्क की लंबाई में 0.5 से 1 मीटर तक होता है और इसके शरीर पर जेब्रा के शरीर पर देखे जाने वाले हूबहू स्ट्रिप्स होते हैं जिसमें हम इन्हें दूर से भी पहचान सकते हैं। यदि पानी के नीचे जाना आपका सपना हो तो बेहतर होगा कि आप तैरने के साथ साथ तैरते हुए भागना भी सीख लें क्योंकि यह एक एक्वामैन नहीं है निश्चित रूप से। नंबर 2 पर हमारी सूची का सबसे बेहतरीन पिक, टाइटन ओबा। पिछले वर्षों में जब डायनासोर पृथ्वी पर मौजूद थे यहाँ तापमान इस तरह से था कि यह प्राणियों के आकार को असाधारण रूप से विशाल बनाता था। एक प्रजाति ने डायनासोरों के साथ उस वक्त से भूमि साझा कि जिनके फॉसिल्स कोलंबिया में पाए गए और उनमें से पता चला कि वह लगभग 58 से 60 मिलियन साल पहले इस धरती पर जीवित थे। मिले फॉसिल्स के अनुसार टाइटनोबा की लंबाई लगभग 12.8 मीटर थी और इसका वजन लगभग 1135 किलोग्राम था। ये लगभग 8 फीट लंबी बस के समान लंबा था। हालांकि वह ज्यादा विषैले नहीं थे और ज्यादा हानिकारक भी नहीं थे, लेकिन उनके आकार ने उन्हें राक्षसी बना दिया। वह एक डायनासोर को मौत के घाट उतारने में सक्षम थे। अब ये भयावह है। नंबर एक पर है ब्लैक मामबा। यदि आप अपने सामने एक काला मामबा देखते हैं तो आप उस समय मृत्यु का सामना कर रहे हैं। हालांकि डायनासोर बड़े और खतरनाक होते थे लेकिन उनमें विष नहीं था और यहाँ एक मौजूदा प्रजाति है जो लोगों को अपने विष से मारकर कुछ ही समय में मार सकती है। अगर आपको इस सांप ने कभी काटा तो आपको तुरंत एंटी वेनम लेना होगा क्योंकि इस सांप के काटने के 10 मिनट बाद ही इंसान की मौत हो सकती है। ये सांप अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। यदि आप इस जगह का भुगतान करने के बारे में सोच रहे हैं और आप नहीं जानते कि ये आपका आखिरी साहसिक कार्य हो तो एंटी वेनम को साथ लेकर चले। मामबा सांप लंबाई में बहुत लंबा होता है और वे वास्तव में बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। वे तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। तो अगर आप इस सांप को देखते हैं तो चुपचाप वापसी कर लेना ही बेहतर होगा। इस सूची के अंत तक मुझे अब सांपों से और भी डर लगने लगा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा सांप सबसे ज्यादा भयानक लगा। क्या आपने उनमें से किसी को देखा है? इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।